खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हो जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, हम दिखाएंगे हर एक खबर सीआईबी इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं विवेकानंद के सपनों को पूरा करेंगे मोदी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बलिया पहुंचे सूबे के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा सम्मेलन में शिरकत के दौरान अपनी ही पार्टी के बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा दो दिन पूर्व दिए गए विवादास्पद बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि विधायक जी ने जो बयान दिया है ये उनके दिल की बात है, ना कि पार्टी लाइन थी। इस दौरान यूपी समेत पूरे भारत में जहां भी, जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर वो विकास के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित है। परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र देव सिंह ने युवाओं में उत्साह भरते हुए कहा कि विवेकानंद के लक्ष्य को मोदी पूरा करेंगे। विवेकानंद का सपना था कि पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो और गरीबी दूर हो, वो सपना भी मोदी जी ही पूरा करेंगे। देश का सपना है और देशवासियों का सपना है, और माननीय मोदी जी का सपना है, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, और जनसंघ बीजेपी का सपना है कि पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो, एक सपना है। दूसरा सपना है गांव गरीब किसान घर में 24 घंटा लाइट पहुँचे, गरीबों को छत मिले, भर पेट भोजन मिले, अच्छी सड़कें हों और गांव गरीब किसान खुशहाल, यही हम सबका सपना है। तो क्या आप मानते हैं कि यहां से मुसलमान जो है केवल भारत से बाहर निकल जाए? ऐसी बातें कर रहे हैं जैसा कि सुरेंद्र सिंह ने अभी बयान दिया था, ना ना भाई जो है सुने मेरी बात ना, मुसलमान और हिंदुस्तान के सभी, हिंदुस्तान के एक अंग है, सभी लोग मिलकर विकास करेंगे, भारत माता के सब बेटे हैं और ये देश खुशहाल रखना है। और सपना हम लोगों का है कि कश्मीर के अंदर नौजवान AK-47 का और आतंकवादियों को समर्थन न करे, उसके जगह में हाथ का में कलम होना चाहिए, योग्य और पढ़ा लिखा नौजवान हिंदुस्तान में हो, जिसके कारण अमेरिका चाइना को टक्कर दे सके। और ये आध्यात्मिक देश है, ये ऋषियों मुनियों का देश है, यहाँ इस प्रकार का दंगा नहीं होगा। हम लोग तो दिशा देते हैं, कभी हम लोग दंगा फसाद करने वाले हिंदुस्तानी नहीं है, पूरी दुनिया को दिशा देने, पूरी दुनिया को दिशा। मैंने बयान ही नहीं पढ़ा किसी का, मैं बयान नहीं किसी का पढ़ा, बीजेपी का सपना है पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो। दूसरा राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवाद, दूसरा विकासवाद का झंडा मेरे हाथ में रहता है और हम विकास के लिए निकले।